जी सलाम अलैकुम। अक्सर हमारे पास यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, उनके जो बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में इस तरह अजान दी जाती है, इस तरह बना के। ये पहली बात सबसे कि बच्चे के जब कान में आपने अजान देनी तो आप नॉर्मली इसको यूज़ किए बगैर अजान दें। डायरेक्ट बच्चे के कान में आवाज़ जा सकती है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन जब आप ये यूज़ करते हैं उससे बच्चे का कान का जो पर्दा है वो फटने का, वो डैमेज होने का ख़तरा होता है, क्योंकि जो बच्चा है उसके कान का पर्दा बहुत इंतहाई नाजुक है। तो कोशिश करें कि आप कभी भी ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट, इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट खुद से बना के कभी भी आप इस तरह अजान ना दें। इससे बच्चे का कान डैमेज होने का ख़तरा है, क्योंकि बच्चा अभी न्यू बॉर्न बच्चा है और उसका बहुत, उसके जो हाथ पाँव है, उसका जो कान है बहुत नाजुक है। और कोशिश करें कि बच्चे के कान में नॉर्मली अजान दें। अजान का तरीका जो नॉर्मली होता है वही होता है, आपने अल्फाज कहने होते हैं ताकि बच्चे कान में अल्लाह ताला का कलाम चला जाए। थैंक यू।